टास्क फोर्स को 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है, साथ ही 2 महीनों में फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। ये टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझाव देगी और कोर्ट ने टास्क फोर्स को 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है, साथ ही 2 महीनों में फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। आइए आपको बताते हैं कि फोर्स में किस किस को शामिल किया गया है और किन डॉक्टरों का इनमें नाम शामिल है। डॉक्टर एम श्रीनिवास, निर्देशक एम्स दिल्ली। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, प्रबंध निदेशक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी। आरती सरीन, सर्जन वाइस एम्ब्रियल। डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी, निदेशक एम्स जोधपुर। डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रबंधक सदस्य गंगराम अस्पताल। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, NIMHNS बेंगलोर। प्रोफेसर अनीता सक्सेना, कार्डियोलॉजी हेड एम्स दिल्ली। प्रोफेसर पल्लवी सापरे, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग एम्स। इसके अलावा टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के अध्यक्ष को भी शामिल किया गया। अब आपको बताते हैं कि टास्क फोर्स क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। ये टास्क फोर्स डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पहल करेगी, डॉक्टर और अस्पतालों में मौजूद सुरक्षा इंतजामों को परखेगी, साथ ही चिकित्साओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुझाव भी देगी। कोर्ट ने टास्क फोर्स को 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है, साथ ही 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं, हम डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है करते हैं। बेंच ने कहा कि महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। बेंच ने ये भी कहा कि आखिर ऐसे हालात में डॉक्टर कैसे काम कर सकते हैं, हमने देखा है कि उनके लिए कई जगहों पर रेस्ट रूम तक नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर महिलाएं काम करेंगी और वहां नहीं जा पाएंगी और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं है तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं। हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत आन पड़ी है। आइए अब जानते हैं कि डॉक्टरों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपातकालीन कक्ष के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। हथियारों का प्रवेश से रोकने के लिए बैग स्क्रीनिंग की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति मरीज नहीं है तो उसे एक सीमा से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। डॉक्टरों के लिए विश्राम कक्ष और डॉक्टरों नर्सों के आराम करने के लिए लिंग तटस्थ स्थान होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान होनी चाहिए। सभी क्षेत्रों में उचित प्रकाश व्यवस्था, सभी स्थानों पर CCTV लगा होना चाहिए। चिकित्सा पेशेवरों में रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक परिवहन होना चाहिए। दुख और संकट से निपटने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए। संस्थागत सुरक्षा उपयोगों के लिए तिमाही ऑडिट होना चाहिए। आने वाले लोगों के अनुरूप पुलिस बल की स्थापना होनी चाहिए। पौष अधिनियम चिकित्सा प्रतिष्ठानों को लागू होता होना चाहिए और इसीलिए ICC का गठन किया जाना चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था की आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। मामले की गंभीरता पर ध्यान आकर्षित करते हुए जस्टिस तुषार मेहता ने कहा कि हमें इसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हम एक युवा डॉक्टर के साथ एक यौन विकृत व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना से निपट रहे हैं, लेकिन इसमें एक पशु जैसी प्रवृत्ति भी थी। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। माता पिता को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। 7,000 लोग कैसे अस्पताल में घुस आए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सबसे पहले FIR किसने और कब दर्ज कराई। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 11:45 पर FIR दर्ज की गई, जबकि फिर CGI ने कहा कि अभिभावकों को बॉडी देने में 3 से 3.5 घंटे के बाद FIR दर्ज की गई। एक डॉक्टर की हत्या हो गई और रात 11:45 बजे FIR दर्ज क्यों कराई गई। DY चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि FIR दर्ज से क्यों दर्ज हुए, हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था। जब हत्या हुई तो पीड़िता के माता पिता वहाँ मौजूद नहीं थे। यह हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो FIR दर्ज कराए। CGI ने हैदराबाद समेत कई जगहों पर हुई घटनाओं पर हवाला दिया और कहा कि चिकित्सा पेशावर हिंसा के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।
जड़ जमाए हुए पितृसत्तात्मक पूर्व ग्रहों के कारण महिला डॉक्टरों को अधिक निशाना बनाया जाता है। मेडिकल प्रोफेशन को कोई तरह से हिंसा के सामना करना पड़ता है। वे 24 घंटे काम करते रहते हैं। काम की परिस्थितियों ने उन्हें हिंसा के प्रति संवेदनशील बना दिया। मई 2024 में पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों पर हमला किया गया, जिनके बाद मौत हो गई। बिहार में एक नर्स को मरीज के परिजनों ने धक्का दिया। हैदराबाद में एक डॉक्टर पर हमला हुआ। ये डॉक्टरों की कार्यस्थिति के लिए एक बड़ी विफलता और व्यवस्थागत विफलता है। पितृसत्तात्मक पूर्वग्रहों के कारण मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा महिला डॉक्टरों पर हमला करने की संभावना अधिक होती है और वो यौन हिंसा के प्रति भी अधिक संवेदनशील होते हैं। और अरुणा शानबाग का मामला इसका एक उदाहरण है। लैंगिक हिंसा व्यवस्था में महिलाओं के लिए सुरक्षा की कमी को दर्शाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स गठित कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से जांच की रिपोर्ट भी मांगी। ये रिपोर्ट कोर्ट में आगामी गुरुवार तक जमा करानी है। जबकि कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से आग्रह किया कि वो काम पर लौट जाएं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़वेल इंडिया।